शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना महामारी ने अपने पांव पूरी तरह से पसार दिए हैं, जिसके चलते शहर के दो पुलिस का कोरोना इलाज के दौरान मृत्यु हुआ। मरने वालों में एक पुलिस मुख्यालय तथा दूसरा पुलिसकर्मी धंतोली पुलिस थाने का है। दोनों की मौत पर पुलिस महकमे खलबली मची है। इस घटना के बारे में पुलिस आयुक्त भूषण कुमार उपाध्याय इन्होंने जानकारी दी है। कोरोना लॉकडाउन में पुलिस ने सही में अच्छा कामकाज किया है। शहर की जनसंख्या को देखते हुए पुलिस की संख्या काफी कम है, मात्र उसमें भी पुलिस के जवानों ने पूरी शिद्दत से कोरोना कार्यकाल में अच्छी जिम्मेदारी संभालते हुए एक मिसाल पेश की है। कोरोना महामारी किसी को भी हो सकती है, वो कोई जात पात, धर्म, लिंग, महिला पुरुष आदि में फर्क न करते हुए हर किसी को मौत देने के लिए तैयार बैठी है। हाल ही में नागपुर में दो पुलिस कर्मियों के कोरोना से इलाज के दौरान मेडिकल और मेयो में मृत्यु हुई है, जो पुलिस वालों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। नागपुर पुलिस आयुक्त डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय इन्होंने जानकारी दी। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे दो जवान शहीद हो गए हैं, और पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से जो भी उनको ट्रीटमेंट देना था, जो भी हेल्प करना था, हमने किया, लेकिन बहुत दुख की बात है कि हम उनको बचा नहीं पाए। हमने पूरे पुलिस लाइन में, पुलिस चैन में ऐसा मुहिम शुरू किया है कि अगर किसी को भी सर्दी और बुखार होता है तो 48 आवर के अंदर उसको बताएं, टेस्टिंग कराएं और डॉक्टर के पास जाएं। इस मुहिम को हम और ज़्यादा तीव्र कर रहे हैं पुलिस लाइन में, पुलिस स्टेशन में, या हमारे जितने पुलिस के फैमिली मेम्बर हैं उनमें और ज़्यादा इसको हम बढ़ा रहे हैं कि अगर कहीं पे भी अगर इस टाइप की कोई घटना होती है तो आपको बताएं। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि इसमें कोई उपचार इस बीमारी का नहीं है, इसमें अर्ली ट्रेसिंग हो जाती है, तो उसको जो सपोर्टिव सिस्टम है उसके द्वारा हम उसको बचा सकते हैं। तो ये हम इस पर जोर दे रहे हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचा के अगर किसी को इस तरह का कोई लक्षण दिखता है तो इमिडिएटली उसको हॉस्पिटल में एडमिट करके उसका उपचार करने की हम कोशिश कर रहे हैं। सर, इससे पहले देखिए, सेंसिटिविटी से तो है, क्योंकि जब किसी की मृत्यु होती है बहुत दुख की बात है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की घटना ना घटे। और इसका एक ही उपाय है कि अगर किसी को कोई भी लक्षण दिखता है तो इमिडिएटली वो बताए, अपने को रिपोर्ट करे, ताकि हम उसको जो सपोर्ट सिस्टम है मेडिकल दे सकें। कोरोना महामारी से शहीद हुए उन दोनों जवानों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ संजय मिरे की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।